भाई आईफोन 15 सीरीज लॉन्च हो गया है तेरा भाई लिया आईफोन 15 प्रो अच्छा कितने का भाई बस वो मत पूछ तो नया क्या है इसमें फिर अब भाई फाइनली पहली बार टाइप सी पोर्ट है इसके अंदर तो आठ नौ साल पुरानी टेक्नोलॉजी है आज पकड़ा दी 2023 में और तुम खुश हो रहे पूरा हाँ तो इसके अंदर एक्शन बटन भी तो आ गया अब एक्शन बटन एक मिनट ये है मोटरोला का फोन इसमें ऐसे करके फ्लैश जल जाती है ऐसा ही लाके कैमरा खुल जाता है और ये फीचर इन्होंने सात आठ साल पहले लॉन्च कर दिया था तू बटन बोल जा पड़ा आज हाँ तो अब टाइटेनियम बॉडी भी तो आ गई तुझे लगता है इतना महंगा फोन तू बिना कवर के चलाएगा क्या फायदा टाइटेनियम बॉडी का हाँ तो चला लूंगा कभी कभी मैं कवर के बिना भी अच्छा एक बात बता आईफोन फिफ्टीन सीरीज आ गई ट्वेंटी चल रहा है तेरा फोन फास्ट चार्जिंग अब तो करता होगा भाई ऐसा है एक काम कर तू ही चला ले और देख ले इसमें क्या नया है क्या नहीं भाई बस वो मत पूछ आओ इसकी रूह बार निकालते हैं

ट्वेंटी थ्री अल्ट्रा को भी यूज कौन सी कहा ये महसूस करवा रहा है और कहां पे मुझे कुछ नया मिल रहा है एस ट्वेंटी थ्री अल्ट्रा से सारा इस वीडियो में इनडेप कवर करेंगे किसी को कोई भी स्पेसिफिक पार्ट देखने तो हमने नीचे आप जाकर चेकआउट कर सकते हो मिस कुछ मत करना बहुत सारी चीजें पता लगेंगी स्टार्ट करते हैं आईफोन 15 प्रो का रिव्यू तो भाई डेढ़ लाख खर्चने के बाद कुछ ऐसा डब्बा तुम्हारे को मिल जाएगा और नीचे से उतारना है दो कागज वाले स्टिकर उसके अंदर से निकलेगा ओ हो हो ये प्यारा सा उल्टा रखा हुआ सेब इसको रख देते जरा साइड में यहां पे मिल जाएगी टाइप टाइप केबल और इस बार जो टाइप टाइप केबल है ना इनकी वो इन्होंने ना ब्रिडिड वाली कर दिया मतलब क्वालिटी बेटर है और यहाँ पे मिल जाएगी सिमीजेक्टर पिन थोड़ी सी डॉक्यूमेंटेशन और ये रहा एप्पल का स्टीकर और इस ब्रह्मांड का सबसे सेटिस्फाइंग काम एप्पल के डिस्प्ले के ऊपर से ये कागज पील करना ओ हो हो और ये लो आपका डेढ़ लाख का सेब तो यहाँ पे बहुत सारे नए फीचर्स इसके अंदर हमारे को मिल जाते हैं जैसे टाइप सी पोर्ट मिल जाएगा एक्शन बटन इसके अंदर है टाइटेनियम का फ्रेम मिल जाएगा जिसकी वजह से फोन लाइट वेट है यहाँ पे 48 एट मेगा का कैमरा सेंसर इन्होंने कर दिया ए सेवेंटीन प्रो लेटेस्ट चिप आपको इसके अंदर मिल जाएगी बेटर बैटरी बैकअप ये कह रहे हैं लास्ट जनरेशन से जो आपको सारा मैं आगे बताऊंगा एंड स्क्रीन भी यहाँ पे हमारे को पहले वाले आईफोन से बेटर मिलेगी तो यहाँ पे हमारे को आईफोन कुछ इस तरीके का मिल जाएगा ट्रस्ट फिनिशिंग हमारे को यहाँ पे मिल जाएगी इसके फ्रेम के ऊपर एंड इसका जो फ्रेम है ना ब्रांड का क्या हंड्रेड परसेंट रिसाइकल्ड एल्यूमिनियम से बनाया लाइक अलूमिनियम और टाइटेनियम का मिक्सर यूज किया हुआ है अब कितना हंड्रेड परसेंट है कितना

पर्सनल ओपिनियन एंड यहाँ पे बैक हमारे को मैट फिनिश में मिल जाएगी और यहाँ पे जो कॉर्नर है वो मेरे को सॉफ्ट लगे मतलब इन एंड फील थोड़ी कंफर्टेबल हो गई है एंड फोन का वेट भी कम है ड्यू टू टाइटेनियम फ्रेम वन एटी का हमारे को मिल जाएगा और एक चीज मैं नोटिस कर रहा था इसका जो फ्रेम है ना उसके ऊपर भाई दबा के फिंगरप्रिंट के निशान पड़ जाते हैं मतलब दिखते हैं बहुत बुरे लगते हैं बार बार उसको साफ करना पड़ता है एंड जो कैमरा मॉड्यूल है वो ग्लॉसी हमारे को यहाँ पे मिलता है तो उसके ऊपर ना डस्ट एकदम से बैठ जाती है और दिखती है वो डस्ट बहुत बुरी सी लगती है और बाकी राइट साइड में पावर ऑन ऑफ बटन है लेफ्ट साइड में वॉल्यूम रॉकर बटन सिम ट्रे मिल जाएगी हमारे को जिसके अंदर आप एक फिजिकल सिम डाल सकते हो और आईफोन हमारा

हमारी किस्मत अच्छी नहीं हमें मिला ही नहीं कह रहे भैया ब्लैक है लेना है लो और ना जाओ और उसके बाद हमारा आई में बहुत बड़ा चेंज एक्शन बटन इन्होंने दे दिया साइलेंट स्विच वाला बटन हटाने के बाद एंड इस एक्शन बटन को लेकर लोग इतने एक्साइटेड मेरे को तो सबसे इम्प्रैक्टिकल चीज ये लगी क्योंकि इसके अंदर ना आप एक ही फीचर असाइन करके रख सकते हो जैसे आप इसकी सेटिंग्स में जाओगे यहाँ पे साइलेंट मोड है फोकस है और कैमरा वैमरा बहुत सारी चीजें है एक बारी में एक सेट कर दिया वो चलेगा यहाँ पे कैमरा है तो कैमरा साइलेंट स्विच है तो साइलेंट स्विच एंड प्रेजेंटली मैं अपना यूज बताऊ तो भाई मैं साइलेंट स्विच की तरह यूज कर रहा हूँ जो लास्ट जनरेशन में भी हो ही रहा था इसके अंदर भी है क्योंकि फीचर इतने सारे दे तो दिए लेकिन उसके अलावा डबल टैप ट्रिपल टैप कोई फीचर ही नहीं दिया मान लो डबल टैप से कोई और फीचर काम करता ट्रिपल टैप से कुछ और करता होल्ड करने के ऊपर कुछ और करता तभी तो वो एक्शन बटन होता ना

ना इतना कोई बड़ा चेंज नहीं है एंड उसके बाद डिस्प्ले पार्ट प्रो सीरीज है तो बढ़िया डिस्प्ले मिलेगी वन इंच की एल टीपीओ सुपर एटी एक्सडीआर डिस्प्ले वन ट्वेंटी हर्ट के साथ आती है रिफ्रेश रेट मिलेगा टेन हर्ट से लेके वन ट्वेंटी तक चली जाती है मिनिमम रिफ्रेश रेट रहता है बेटर बैटरी बैकअप होता है और कहीं आपको फुल स्मूथनेस इंस्टाग्राम की रीले ऊपर नीचे कर रहे 120Hz वाला मामला हो जाता है स्मूथनेस के साथ और यहाँ पे एच डी आर टेन और डॉल विजन का सपोर्ट मिलता है तो एच डी आर वाला कॉन्टेंट देखो या डॉलि विजन वाला कॉन्टेंट डिफरेंट ओटी डी पे तगड़ा एक्सपीरियंस आपको मिलेगा क्योंकि भाई ब्राइटनेस तगड़ी है यहाँ पे वन थाउजेंड टिपिकल ब्राइटनेस हमारे को मिलेगी एंड टू थाउजेंड इट्स की हाई ब्राइटनेस मोड पे वैसे डेडिकेटेडली कोई हाई ब्राइटनेस वाला मोड नहीं है आप आउटडोर में जाओगे ना तो ऑटोमेटिकली उस मोड पे वो शिफ्ट हो जाता है और स्क्रीन अच्छी खासी ब्राइट हो जाती है एक्सट्रीम सनलाइट में भी अगर आप यूज करोगे ना तो भाई फोन यूजेबल रहता है एंड साइड बाई साइड एस ट्वेंटी थ्री अल्ट्रा की डिस्प्ले से अगर कंपेयर करते हैं तो थोड़ी सी ज्यादा

देखने में जो भी फुल स्क्रीन वाला कंटेंट देखता ना भाई उसके अंदर ये कैप्सूल सा इतना इरिटेट करता ना मतलब S23 अल्ट्रा में एक पंचोल कैमरा भी मेरे को थोड़ा बहुत लगता था कि क्या है क्या नहीं है इसको मैं इग्नोर कर पा रहा था भाई इसको मैं इग्नोर नहीं कर पाया एंड सीरियसली ये एक ड्रॉबैक की तरह मुझे लगा ये बड़ा सा कैप्सूल एंड डिस्प्ले की बात चली रही थी यहाँ पे मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस यहाँ पे हमारे को स्टीरियो स्पीकर्स मिल जाते हैं ऊपर नीचे बढ़िया आवाज आती है एंड इसके स्पीकर में मैंने एक चीज नोटिस करी भाई यहाँ पे हल्का सा थंप हमारे को होता मतलब तो फील होता है मतलब एक बेस टाइप की फीलिंग आती है एस ट्वेंटी अल्ट्रा से कम्पेयर करो तो सेम लाउडनेस मिलती है सेम क्लैरिटी है लेकिन आईफोन में एक थम्प फील होता है मतलब एक फोन से एक थम्प एक्सपेक्ट नहीं करते वो एस ट्वेंटी में मेरे को फील नहीं हुआ बाकी स्पीकर के मामले में स्टीरियो के मामले में दोनों बढ़िया है और यहाँ पे मल्टीमी की बात चल रही है यहाँ पे ओटीटी वगैरह देखना प्राइम वीडियो पे मैक्सिम रेजोल्यूशन मिल जाता है नेटफ्लिक्स वगैरह देखना पूरा डॉल विजन एच

मिलता है और अप वन टीबी तक आप परचेज कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर पॉकेट साइज और कितनी फोटो फोटोएं आपको खींचनी है अपने फोन के अंदर एंड <laughs> यहाँ पे कनेक्टिविटी के मामले में वाई फाई सिक्स को मिल जाएगा ब्लूटूथ वर्जन 5.3 के साथ ही आता है एंड ये हमारा 5G फोन है एंड एस ट्वेंटी थ्री अल्ट्रा के साथ मैं साइड बाय साइड 5G टेस्ट करके देख रहा था जियो में हमारे शहर में दोनों के अंदर मेरे को सेम इंटरनेट स्पीड मिल रही थी और बाकी परफॉर्मेंस के मामले में किसी को बेंच मार्क वगैरह देखने तो अंत तो बेंच मार्क हमने किया था फोर्टीन लैख फिफ्टी एट थाउजेंड के आसपास स्कोर निकल गया भाई जबरदस्त और बाकी गीगबेन सिक्स के आप स्कोर देख सकते हो क्या ही जबरदस्त स्कोर्स है एंड यहाँ पे गीगबेन सिक्स का जीपीयू का स्कोर भी निकाला था ट्वेंटी स्मार्टफोन्स के मामले में जो ये नंबर है ना भाई ये बहुत ज्यादा जबरदस्त है एंड प्रैक्टिकल ग्राउंड पे अगर कर बात करते हैं तो नॉर्मल डे टू डे यूसेज में भाई कोई दिक्कत नहीं आने वाली जितनी मर्जी खोल लो इस्टाग्राम फेसबुक चलाना उसके अंदर तो कोई दिक्कत होने नहीं वाली मेनली जो बंदे इसकी चिप का फायदा उठा पाएंगे वो होंगे कॉन्टेंट क्रिएटर्स जिनको कैमरा चलाना है क्योंकि कैमरा के अंदर प्रोसेसिंग पावर चाहिए अच्छी फोटोज चाहिए वहां पर इसका चिपसेट काम आता है और भाई तगड़े गेमर्स यहाँ पे इन्होंने एप्पल के इवेंट में तगड़े तगड़े गेम दिखाए दिखाई रेजिडेंटल रेजिडेंटे फोर मिराज और यहाँ पर डेडिकेट पी एस फाइव कंट्रोलर का नेटिव सपोर्ट आपको आईफोन के साथ मिलेगा ऐसा एप्पल का कहना है यहाँ पे पीएस फाइव का कंट्रोलर वैसे ही कनेक्ट होता है जैसे आप किसी भी एंड्रॉइड फोन के साथ कनेक्ट करते हो पेरिंग मोड के और मैंने वो भी हो गया था और गेम्स वैसे ही खेल पा रहे थे जैसे हमने तो तब होता ना जब सब कुछ ढंग से काम करते बट ऐसा कुछ नहीं है हो सकता है फ्यूचर में ऐसा कोई सपोर्ट आ जाए जिसके अंदर फुल हम PS5 कंट्रोलर की यूज कर तो ये चलता फिर स्लिम टाइप का अकॉर्डिंग इट्स चिपसेट अब वो गेम्स में कितना कैपेबल हो पाएगा वो जब गेम्स रिलीज होंगी हम ट्राई करेंगे कितना बैटरी बैकअप देगा उसके अंदर कितना गर्म यह होगा गर्मी के बारे में बात करते हैं वो तो देखो बाद में पता चलेगा उसका रिव्यू गेम्स लॉन्च होने के बाद एंड <laughs> जब परफॉर्मेंस की बात चल रही है तो गेमिंग के बारे में बात तो करनी बनती है एंड गेमिंग के मामले में भी कोई हाई एंड गेम गेम इतना हम जो वही वही टेस्ट टेस्ट करते हैं सारे हमने इसके अंदर करे थे जैसे बीजेम खेल के देखा यहाँ पे हमारे को स्मूथ पे नाइन्टी एफ का ऑप्शन मिल रहा था उसके बाद बैलेंस से लेके अल्ट्रा एचीआर तक हमारे को एक्सट्रीम का ऑप्शन मिल रहा था एक्सट्रीम यानी कि सिक्सटी एफ और बढ़िया स्मूथ गेम प्ले यार मतलब इस चिपसेट से और क्या उम्मीद करेंगे एकदम तगड़ा आप खेल सकते हो और कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल हमने खेल के देखा यहाँ पे क्वेश्चन मार्क का ही था फ्रेम रेट की जगह वन ट्वेंटी एफ पी कैपेबल फोन है यहाँ पे लो सेटिंग्स हमारे को अल्ट्रा मिल रहे हैं और नीचे फ्रेम को ऑन करके आप 120 कर सकते हो। उसके अलावा मीडियम खेलोगे तो भी वन ट्वेंटी मैक्स एफ हो जाते हैं ट्राई किया था मीडियम और में 120 पे जो experience मिला ना मतलब ऐसा गेमिंग का experience मुझे किसी फोन पे नहीं मिला जैसा इसके ऊपर मिल रहा था एंड आफ्टीन प्रो में गेंट के अंदर हमारे वन ट्वेंटी ऑप्शन मिल रहा था एंड गेम प्ले बहुत स्टेबल चल रहा था कंपेयर टू एस ट्वेंटी मतलब गेमिंग के मामले में बेस्ट फोन बताओ फोन फिफ्टी प्रो सीरीज को कह सकता हूँ एंड इंपैक्ट चलाने के बाद मेरे को फील हुआ कि भाई इसकी A17 Pro चिप भाई अच्छी खासी पावरफुल है एंड इसके अंदर ज्यादा स्टेबल परफॉर्म कर रहा था एस कंपेयर टू एस ट्वेंटी थ्री अल्ट्रा तो चिपसेट के मामले में प्रो इज बेटर लेकिन एस ट्वेंटी फोर जब आएगा तब रियल कंपैरिजन बनेगा ना ये तो प्रीवियस जनरेशन हो गई और भाई इतनी गेमिंग करने के बाद जो गर्मी का माहौल इसने किया फोन में भाई 40-45 डिग्रीज यहां से हमारे को फील हो रहा था राइट साइड फ्रेम से लाइक कैमरा के बगल में और स्क्रीन में भी टॉप लेफ्ट कॉर्नर में अच्छा खासा गर्म हो गया था वाई फोन और इतनी गर्मी ना ऐसी गर्मी की मतलब गाल पर लगाओ तो फील हो रही थी गरम है <laughs> तो सर्दियों में जब आपके हाथ ज्यादा ठंडे हो जाएंगे तो आई 15 सीरीज में गेमिंग करो हाथ में पकड़े तो फुल गर्मी का एहसास आपको मिलेगा एंड ओवर का इशू पहले बहुत ज्यादा था मतलब जब ये फोन नया नया आया था मेरे पास फिर एक अपडेट आई बीच में आये हुए पे ना उसके बाद कम हो गई है लेकिन भाई बिल्कुल खत्म नहीं हुई है अभी भी अच्छा खासा गर्म होता है तो सोचो पहले कितना ज्यादा गर्म हो रहा होगा थ्री सिक्स की बैटरी एम को इसके अंदर मिलती है एंड मेरे यूज के सिन में फाइव टू सिक्स आवर्स के स्क्रीन ऑन टाइम में इसकी बैटरी बिल्कुल ट्रेन हो जाती है जिसके अंदर मैं इंस्टाग्राम पे रीले पेलता हूँ नॉर्मल अपना यूट्यूब स्टूडियो वगैरह चला लिया कमेंट वगैरह अपने ऑडियंस के छह सात आठ बजे तक बस उससे ऊपर नहीं चल पाती बैटरी ठीक है खत्म भी नहीं है और बिल्कुल ऐसे बहुत अच्छी भी नहीं है मैं प्रो सीरीज की बात कर रहा हूं प्रो मैक्स में और प्लस में ज्यादा बैटरी बैकअप आपको मिलेगा क्योंकि फोन बड़ा है बैटरी भी बड़ी सब बड़ा बड़ा है और भाई 2023 चल रहा है कंपनी पहुंच चुकी है 100 वॉट डेढ़ सौ वॉट दो सौ वोट तक के फोन आ रहे हैं चार्जिंग वाले ये अभी भी 20-25 वोट में उलझा हुआ है चार्जिंग में 30 मिनट्स के अंदर 50 परसेंट के आसपास बैटरी चार्ज होती है एंड लगभग डेढ़ घंटा लगता है इसको फुल चार्ज होने में जो कि ट्वेंटी के हिसाब से स्लो है एंड ये फोन हमारा 15 वॉट की वायरलेस चार्जिंग को भी सपोर्ट करता है एंड अभी भी कोई भी रिवर्स वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट नहीं है कि आप अपने फोन से कुछ और वायरलेसली चार्ज कर पाओ लाइक टी डब्ल्यू एस ईयरबड्स वगैरह कुछ भी वो तो नथिंग ने भी दे दिया था तुम क्यों नहीं दे पा रहे भाई? लेके। लेकिन लेकिन ऐसा कोई दिल छोटा नहीं करते रिवर्स वायर्ड चार्जिंग सपोर्ट करता है जिस फोन की बैटरी डाउन होगी वो चार्ज होने लगेगा लाइक अगर आपके आईफोन फोन की बैटरी डाउन है तो ये चार्ज उससे ले लेगा ये चार्ज दे देगा वेरी मतलब ही और बाकी अगर आप अपने फोन को हॉरिजॉन्टली रखते हो चाहे फिर वो वायरलेस मोड पे चार्जिंग पे हो या फिर वायर्ड मोड पे हो दोनों के अंदर रखते हैं ना स्टैंड बाय मोड ऑन हो जाता है और स्टैंड बाय मोड भाई बढ़िया लगता है यहाँ पे कैलेंडर बन के आ जाता है और यहाँ पे जो नोटिफिकेशन है ना वो भी अच्छी खासी दिखाई देती है एंड यहाँ पे फाइनली बैटरी ऑप्टिमाइजेशन का मोड दे दिया गया है सेटिंग्स के अंदर जाके आप बैटरी को एट्टी परसेंट की लिमिट पर सेट कर सकते हो कि एट्टी परसेंट से ऊपर चार्ज ना हो तो यानी कि आपके जो साइकिल्स हैं बैटरी के वो ज्यादा यूज नहीं होंगे और जितने कम साइकिल यूज होंगे बैटरी हेल्थ ज्यादा बेटर रहेगी और तो इसके हम बैटरी के साइकिल्स भी चेक कर सकते हैं यहाँ पे जनरल में जाके अबाउट में आप जाओगे ना यहाँ पे आप बैटरी के सेक्शन में नीचे आप देख सकते हो मेरे यहाँ पे साइकिल काउंट शो कर रहा है अब ये ऑप्शन सिर्फ 15 सीरीज में है या 14 में भी था या नहीं था मेरे को कमेंट में बताना एंड भाई सबसे बड़ा अपग्रेड बहुत बड़ा अपग्रेड टाइप सी पोर्ट जो 9 साल पहले आ गया था iPhone में आया के जो फैंस पूर है पूरा भैया iPhone में टाइप सी आ गया और पता नहीं क्या नहीं क्या क्या नया उखाड़ लिया भैया और आपको एक और चीज बताऊं इसके जो डब्बे में केबल है वो यूएसबी 2.0 वाली है और जो आईफोन का टाइप पोर्ट है वो यूएसबी 3.2 पॉइंट टू जेन टू वाला है यानी कि फास्ट डेटा ट्रांसफर स्पीड को सपोर्ट करता है आईफोन की केवल से नहीं देंगे हम आप सेपरेट केबल परचेज करो तब आपको फास्ट डेटा ट्रांसफर स्पीड मिलेगी आपके सिस्टम और आपके फोन के बीच में एपल बींग एपल एंड इतना टाइम हो चुका है फिफ्टीन प्रो को लॉन्च हुए आपको पता होगा टाइप सी पोर्ट के थ्रू यहाँ पे की बोर्ड हम अटैच कर सकते हैं माउस भी मैंने अटैच किया था मेरे केस में माउस नहीं चला बट मैंने कुछ वीडियो में देखा था तो लोगों के माउस भी चल रहे थे उसके अलावा टाइप सी के थ्रू आप डिस्प्ले आउटपुट ले सकते हो हब वगैरह आप लगा सकते हो जिससे आप इंटरनेट के थ्रू इंटरनेट भी चला सकते हो एस एस डी आप कनेक्ट कर सकते हो एंड बड़ी डिस्प्ले पे कनेक्ट करने वाला सीन में आपको बता रहा था सैमसंग के अंदर हमारे को डेस्क मोड मिलता है आईफोन के अंदर कोई डेडिकेटेड मोड नहीं है जस्ट हमारी स्क्रीन मेरे हो जाती है जो फोन पे चल रहा है वो दिख रहा होता है लेकिन सैमसंग के अंदर भाई पूरा का पूरा की बोर्ड माउस चलता है प्रॉपर

आई तो यहाँ पे मिलता है लेकिन अभी भी काफी बग्स आप दो आई फोन आपस में टैप करोगे जिसके अंदर आईओ एस सेवनटीन दोनों डिवाइस में होगा तो आप कॉन्टैक्ट वगैरह शेयर कर सकते हो एंड जो एनिमेशन बन के आती है ना वो भाई तगड़ी लगती है एक फीचर मेरे को पर्सनली पसंद आया है लाइव स्टिकर वाला कोई भी फोटो में से बंदे को निकाल के उसका आप स्टिकर वगैरह बना सकते हो एंड उसको कहीं भी आपने व्हाट्सएप वगैरह पे यूज कर

और अब पानी की आवाज आ रही है और बढ़िया लगा किसी भी सोशल मीडिया के अंदर जाके आप कैमरा पे इफेक्ट्स वगैरह लगा सकते हो जैसे पे मैंने व्हाट्सएप खोला व्हाट्सएप में फ्रंट कैमरा खोला यहाँ पे फ्रंट कैमरा में देखो मेरे को स्टूडियो लाइट रिएक्शन एंड पोर्ट्रेट मोड मिल जाता है एंड यहाँ पे जो वाइब्रेशन एंड है वो भी हमारे प्रीमियम वाले मिलते हैं

स्मूथ है एज कम्पेयर टू सैमसंग सैमसंग में वो स्मूथनेस नहीं दिखती एनिमेशन में ऐसा खुलता उलता बंद होता सब चीज़ें ना थोड़ा बहुत तो ऊपर नीचे होता ही है अब ये तो होगी सारी अच्छाई एंड फीचर उसके बाद जो मुझे दुख हुआ है ना आई चला के लाइक आई फोन ट्वेल्व प्रो में लास्ट यूज कर रहा था जो दुख मुझे उसमें देना वो आज आज भी भी एग्जिस्ट करते हैं उस टाइम पे या शायद 15 था अब ये 17 आ चुका है आज भी जो चीजें जैसी है वो वैसी की वैसी है सबसे पहला इंपॉर्टेंट फीचर जो मैं यूज करता हूँ टी नाइन डायलर तुम में से भी बहुत लोग यूज करते होंगे जैसे अभी डायलर पे किसी का भी नाम सर्च करना है तो उसके इनिशियल्स के हिसाब से नंबर हम टाइप करते हैं तो उसका नाम शो कर जाता है वो आईफोन में अभी भी नहीं है यहाँ पे कॉन्टेक्ट में जाओ सर्च में जाओ पूरा टाइप करो फिर उसका कॉन्टैक्ट खोलो फिर वहां पर कॉल का बटन दबाओ क्यों क्यों इतना कॉम्प्लिकेटेड है ये जो टी वाला फीचर है ना ये वो लोग ज्यादा यूज करते हैं जिन्होंने की वाले फोन चलाए हैं उनको पता होता है कौन से नंबर पे गया और एक बार ना टी वाले फीचर की आदत लग जाए आप पीछे मुड़ी नहीं सकते जो जो यूज करता है मेरे को कमेंट करके बताओ उसके बाद भैया क्लिप बोर्ड आईफोन में आज भी क्लिप नहीं है आप एक चीज कॉपी करोगे ना बस वही आपके क्लिप बोर्ड में पे वही पेस्ट दवा दो अब मेरे को क्या आदत है ना मेरे पास ना जैसे एड्रेस वगैरह मुझे शेयर करना होता है ब्रांड्स के साथ कोई प्रोडक्ट वगैरह मंगाना हो तो वो मेरा ना क्लिपबोर्ड में प्रिंट रहता है कि किसी ब्रांड को भेजना भाई फटाफट भेज दिया सैमसंग के अंदर क्लिप बोर्ड खोलो दुनिया भर की आइटमें मिल जाएंगी कॉपी पेस्ट हो गया काम इसके अंदर क्लिप बोर्ड नहीं है क्यों नहीं है एप्पल बी एप्पल और भाई आईफोन का कीबोर्ड पता नहीं भाई इतने टाइम से अपग्रेड की नहीं दिक्कत करते तो तो कर हुए सजेशन बहुत ही बढ़िया देता है कभी कभी सजेशन आते नहीं है कोई गलत सलत वर्ड भी टाइप करोगे ना ये हाथ खड़े कर देता है भैया मेरे पास से ही नहीं लेकिन सैमसंग के अंदर मेरे को ऐसा कभी फील नहीं हुआ चाहे वो हमारी इंग्लिश हो हिंदी इंग्लिश हम मिक्स यूज कर रहे हैं चाहे हम ग्रामेटिकल मिस्टेक कर रहे हैं कुछ कर रहे हैं ये ज्यादा अच्छे सजेशन देता है इसके कंपेरिजन में आज भी शिकायत है और भाई पेमेंट करने में जो आईफोन में दिक्कत है आप आपको होंगी ना यूजुअली आपको एंड्रॉइड फोन से अगर किसी को पेमेंट करनी है तो बंदा आपको अपना क्यूआर कोड भेजता है वो क्यूआर कोड आपका डाउनलोड जाता है ऑटोमेटिकली गैलरी में आपने गूगल पे खोला इमेज अपलोड करी आपका क्यू कोड स्कैन हो गया नहीं आईफोन में ऐसे नहीं होगा इमेज आएगी इमेज को पहले आप सेफ फोटो करोगे तब आपकी फोटोज में शो करेगी तब जाके आपके पेमेंट ऐप में शो करेगी

आप कुछ टाइप कर रहे होंगे ना और सामने वाला आपको मैसेज भेजेगा तो एक की आवाज आती है। जैसी वो की आवाज भाई आज तक नहीं सुधरा मैं कितने सालों से देख रहा हूं मतलब आई फोन ट्वेल्ल में भी था और ये इसके अंदर भी है उसके अलावा सबसे बड़ी चीज बढ़िया लगती है वो है स्टाइलस जो आईफोन में आज भी नहीं मिलता बिगेस्ट ड्रॉबैक फॉर मी एंड अब बात कर लेता है सबसे बड़े फीचर के बारे में जिसके लिए आई फोन सबसे यहाँ पे हमारे मिलता है मैन कैरा ट्वेल मेगा पिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंड ट्वेल्ल मेगा पिक्सलोटो और जो हमारा फ्रंट कैमरा का सेंसर है वो भी हमारे ट्वेल मेगा पिक्सल का ही मिलता है और यहाँ पे दोनों का प्राइमरी कैमरा स्टेबिलाईजेशन टेस्ट है ये जो भी हम शूट कर रहे हैं नॉर्मल मोड पर शूट कर रहे हैं सुपर स्टडी वगैरह मोड अभी हमने ऑन नहीं करा कुछ इतनी स्टेबिला नॉर्मल वॉक कर रहा हूं फास्ट वॉक होती है ना उस पर भी कुछ इतनी स्टेबल दोनों फोन रिकॉर्ड कर देते हैं नॉर्मल स्टेबिलिटी के मामले मेरे को दोनों सही लगे मतलब

IPhone का वो है नहीं एंड दोनों फोन्स का, कैमरा का वीडियो टेस्ट है। यहाँ पे के अंदर को मिल रहा है और फोन का यही रहा है थोड़ा है। यहाँ पे के मामले में तो दोनों सही है लेकिन आई के जो कलर है और सेल्फी कैमरे की जो वीडियो है वो भाई एस ट्वेंटी मोड पर टेस्ट किया था पोर्ट्रेट वीडियो मेंल्ट्रा के अंदर बिल्कुल नहीं थी आई के अंदर मोड में भी अच्छी खासी स्टेबिलेशन मिलती है और फिर से वही बात बोलूंगा आई फोन से बेटर नहीं है आज की डेट में बता रहा हूँ और क्वालिटी साइड बाय साइड जो माइक भी है वो दोनों फोन्स का यूज हो रहा है अभी जो आवाज आ रही है वो एस ट्वेंटी थ्री अल्ट्रा से आ रही है अब ये शिफ्ट हो चुके हैं आई 15 फिफ्टीन प्रो पे आई 15 फिफ्टीन प्रो में क्या है कि बैकग्राउंड की नॉइजेस वगैरह इतनी ज्यादा कैंसल आउट नहीं करता लेकिन जो वोकल्स हैं वो भी हमारे को क्रिस्प एंड क्लियर सुनाई देते हैं लेकिन जो एस ट्वेंटी थ्री अल्ट्रा है ना ये बैकग्राउंड की नॉइज को काफी हद तक गिरा देता है और वोकल्स जो है ना उसको भी थोड़ा दबा देता है माइक की क्वालिटी के मामले में दोनों अपनी अपनी जगह बढ़िया है आप बताना कॉमेंट सेक्शन में आपको किसकी ज्यादा बेटर लगी और जब यहाँ पे वीडियोग्राफी की बात चली रही है हम यहाँ पे थ्री अल्ट्रा के अंदर वीडियो रिकॉर्डिंग के टाइम पे अपना कैमरा शिफ्ट कर सकते हैं जैसे बैक से फ्रंट पे और रिकॉर्डिंग रुकेगी नहीं लेकिन आईफोन के अंदर वो ऑप्शन भाई अभी भी नहीं है आपको रिकॉर्डिंग

देख सकते हो अगर आपको एक्सैक्ट टू हंड्रेड मेगा पिक्सल की फोटो चाहिए ना तो थ्री रेशियो फोर का एक डेडिकेटेड मोड मिलता है जिसके अंदर हम जूम नहीं कर सकते डिजिटल क्रॉप मिलता है, की फोटो के अंदर हमारे को मिलती है फोटो। और वहीं पर हमारा आई है वो नॉर्मली ट्वेंटी फोर मेगा पिक्सल फोटो खींचता है तो प्राइमरी वो आई फिफ्टीन प्रो की ज्यादा बेटर निकल के आती है और अगर आई फोन फिफ्टीन प्रो में फॉर्टी एट मेगा पिक्सल तो यहाँ पे आपको रॉ मैक्स मोड पर खींचनी पड़ेगी तब फॉर्ट मेगा पिक्सल शो करता है और दोनों फोन में एक और चीज मैंने नोटिस करी जब हम ले

थ्री अल्ट्रा बाजी मार जाता है यहाँ पे हमने मून की फोटो खींची 15x पे आप सैमसंग की मून की फोटो देखो क्योंकि उसके अंदर 10X अपर के अंदर डिजिटल तो हो भले ही प्रोसेस डिमेज होती है लेकिन एस अल्ट्रा निकाल के तकड़ी देता फोटो उसके बाद अगर हम जूम को कंपेयर करते हमने टंकी का शॉट लिया था एक्स पे कुछ इतना निकाल पा रहा था और वहीं पे ट्वेंटी अल्ट्रा अट्रा वही हंड्रेड पे इतना क्लियर शॉट निकाल पा रहा था सिमिलरली हमने बहुत दूर से इस बैनर का शॉट लिया था लेफ्ट आई फोन में आप सकतो कितना कम दिखाई दे रहा है और वहीं पे S23 अल्ट्रा बिल्कुल क्लियर दिखा रहा है सारी चीजें और बाकी कुछ पोर्ट्रेट फोटोज भी ली थी यहाँ पे एज डिटेक्शन दोनों फोन्स का भाई झकास है मतलब कभी-कभी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है S23 अल्ट्रा में आईफोन के अंदर कंसिस्टेंटली बढ़िया पोर्ट्रेट हमारी निकल के आ रही थी और ये थोड़े बहुत हमने मैक्रो शॉट्स लिए थे मैक्रो के मामले में दोनों बढ़िया परफॉर्म कर रहे थे वही आईफोन में थोड़े से हमारे को वार्म साइड कलर मिलते हैं और एस ट्वेंटी थ्री अल्ट्रा में थोड़े कूल साइड मिलते हैं और फिर आती है लो लाइट फोटोग्राफी की बारी यहाँ पे लो लाइट में आईफोन ज्यादा शार्प ज्यादा डिटेल्ड इमेजेस निकाल पा रहा था उसके अंदर ज्यादा डेप्थ मिल रही थी हमारे को जो ट्वेंटी अल्ट्रा के अंदर इतनी बढ़िया मेरे को नहीं लगी आपके सामने बहुत सारे सैम्पल्स वगैरह आ रहे हैं जो हमने लिए थे यहाँ पे एक चीज में आईफोन भाई हार जाता है वो है हेलो इफेक्ट यहाँ पे आप देख सकते हो लेफ्ट साइड में आईफोन का हेलो इफेक्ट कितना ज्यादा क्रिएट हो रहा है वही एस ट्वेंटी अल्ट्रा के अंदर कितना नेचुरल लग रहा है और भाई ये बहुत इरिटेटिंग

प्रो के अंदर देखो कितनी शार्प, कितनी बढ़िया लाइटिंग शो कर रहा है यहीं पर राइट साइड में देख सकते हो लड़िया वगैरह लगी हुई है बहुत सारी लाइट्स है एक ही के अंदर तो उतनी शार्पनेस नहीं है और लेफ्ट साइड में आईफोन में अच्छी खासी शार्पनेस और डेप्थ क्रिएट हो रही है उसके अलावा लो लाइट में ऐसी कोई दिक्कत नहीं है दोनों फोन अपनी अपनी जगह अच्छा परफॉर्म करते हैं जैसे ये वाला शॉर्ट हमने लिया था यहाँ पे भाई अंधाधुनी अंधेरा हो रहा था राइट साइड में ने उसको थोड़ा ज्यादा प्रोसेस करके थोड़ा ज्यादा अच्छा सा दिखा रहा है लेफ्ट साइड में आई थोड़ा नेचुरल नेचुरल टोन मेंटेन करने में लगा हुआ है उसके बाद बहुत सारे और सैंपल्स है जो आपके सामने रहे होंगे

परसेंट का जंप है, लास्ट जेनरेशन से उससे नहीं है तो पैसा खर्चने की जरूरत नहीं है एंड जिनके माइंड में डाउट था मतलब पिक्सलिजन मतलब आई लेना चाहिए तो मैंने सारा आपके कर दिया। आपके लिए वो मैटर करती है तो एंड्रॉइड लो नहीं मैटर करती है आई वाली खाज मिटानी है तो आईफोन ले सकते हो तो बस यही था मेरी तरफ से अगर वीडियो पसंद आई लाइक मार देना कुछ रह गया हो कुछ और चाहते हो कि भैया ये तो आपने बताया नहीं कमेंट करके जरूर बताना एक डेडिकेटेड बना लेंगे खर्चा है कहीं से तो कवर करेंगे ना पहली बार है सब्सक्राइब करके जाना मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो अब तक के लिए बाय